कि मोदी जी ने क्या क्या किया, वो तो देश के लिए किया होगा, खेती के लिए किया होगा, किसान के लिए किया होगा, व्यापारी के लिए किया होगा और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए किया होगा, नौजवानों के लिए, मेरे लिए जो मोदी जी ने किया, इसलिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। सामने को ना कुछ सोच लो तो जिस आदमी ने, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हरियाणा में अब तक जब से ये देश बना है, आजाद हुआ है, उस दिन से लेकर 75-76 साल में हरियाणा में 5 केंद्र में बड़े मंत्री बने हैं और वो 4 तो इसे हैं जो चीफ मिनिस्टर रह लिए, राव बीरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। लेकिन मोदी जी ने, मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूं हरियाणा से, मंत्री तो और भी बहुत बने, छोटे बने, लेकिन बीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया, जो कि मुख्यमंत्री नहीं था। तो इसलिए उनके काम करने की शैली वो जरूर आपको समझनी चाहिए। मैं नया नया मंत्री बना, मैं बोला मोदी जी आप कनाडा जाओगे, ने बोले हाँ, मगर मेरी बेटी रहती है वहां, वो आपसे मिलना चाहेगी। प्रधानमंत्री ने बीरेंद्र सिंह की बेटी से और से क्या, लेकिन अपनी गाड़ी भेज के जहां मेरी बेटी रहती थी, उसके बच्चे, मेरी बेटी और मेरा दामाद सबको बुला के उनको चाय पिलाई, उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री की तो यही बात है। और कई बात ऐसी भी हैं जिनके बारे में धनखड़ साहब ने कहा कि सड़कें बड़ी अच्छी हैं, मजा आता है, लोग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क तो बड़ी अच्छी है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था कर दो कि चंडीगढ़ जाके खुश हो के आवे, न्यू ने अकबर आने भाई को तो आने भाई फलाना जी दिखड़ा जी। हाँ, अच्छी सड़क का तो तभी फायदा है, और ना तो वहां से कुछ बनेगा, नहीं तो अगले कहेंगे क्यों सड़क पर जाके तेल भी खोया। तो इसलिए आपसे मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको इस सरकार को और इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, और मजबूत नहीं होनी कि ये मजबूत न आपकी पूछे ना हो ना, ये इनको कमजोर करना है और वोटर को मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को 60 गणी तो दिवाइयो ना, 60 एमएलए इनके बना दो, गणे बना के तो फिर कतिये बोलना छोड़ देंगे, और 30 दूसरे के भी बना दियो ताकि उनका दबाव भी रहे और हरियाणा का जो वोटर है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे हरियाणा में बैठी सरकार हो, तो या जो बोध है जो तंबी ने कहो के करें, अरे करें के 47-40 पे छोड़ दिए, और ईब न्यू कहे हैं अपना कांग्रेस का जो नेता है ना हरियाणा का, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं समझ लेना, वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहला न्यू कह है कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं, तो फिर क्यों रोड़ा कर रहा है, तो अपना घर बैठे, अमित शाह तेरा मित्र है, वो हमारा बीजेपी का
भारत सरकार का गृह मंत्री और सबसे बड़ा नेता है लोगों का, कह मारे वाली में आ जा, और ना उसने मित्र कड़ा छोड़ दे, फिर मारी बुराई क्यों कर रहे। तो ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं, इनको आप जरूर इस बात को समझो कि बीरेंद्र सिंह ने ये तोल रखे 42 साल, और 10 साल इनको भी तोलते हो गए, यो भी इनकी भी बुराई में जब देखता हूं तो करता हूं। क्या करेंगे, प्राइमरी मेंबर हटा दियो, उससे ऊपर तो मैं हुए नहीं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह आप लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि हम सब कुछ करेंगे, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, माड़ तो वही है, वो अच्छा अच्छा माड़ है, वो आ गया बीजेपी में मैरी हो दलाल, बाकी तो सारा सौदा वही है। तो इसलिए गलत फहमी का शिकार मत हो। और ये जो 60 साल से प्रशासन का, शासन का, सरकार का, सत्ता का मजा लेते रहे हैं, ये कभी आपके नहीं हो सकते। 60,000 एकड़ जमीन किसानों की कौड़ियों के भाव खरीद के, और बड़े बड़े जो कॉलोनी बनाने वाले लोग थे उनको भेंट चढ़ा दी। मेरे पास रिलायंस का बड़ा मालिक ईवीरोड़ा मचारना अडानी 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 रिलायंस का बड़ा मालिक, वो कह रहा था कि 25,000 एकड़ जमीन दिलवा दो गुड़गांव के चुकरदे, जिसमें झज्जर के भी बहुत सी जमीन है। मैं उसका विरोध कर रहा था, मैं उस वक्त वित्त मंत्री था, मैं नहीं चाहता था मेरे किसान का कौड़ियों के भाव सौदा हो। मैंने रिलायंस के बड़े जो मालिक है उसको एक दिन आया मेरे पास, ने बोला चौधरी साहब आप क्यों खिलाफ हो मेरे। मैं कहा मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं, ये किसान तो 2 फुट डोड़ भी न्यूनतम न्यून हो जाए उसमें भाई पे कस्सी चला दे है, जेड़ी मारे है, और मखा तू इसकी जमीन ले, मखा ये जमीन नहीं देगा। और वही हुआ, 6 साल वो सरकार लड़ती रही, सिर्फ 3,500 एकड़ जमीन दे सका। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल अगर वो आके इस तरह की बात करेंगे तो फिर आपका इस किसान वर्ग का, इस कमेरे वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सोच लो इस बात को कि कह तो सारे ये एक गाऊ गप कांग्रेसी, कोई नौजवान कोई अच्छे लोगों को बात करे, किसान की भले की बात करे, सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलता। और भाई एक बात और बता दूं, आपका ये एमपी है बृजेंद्र सिंह, मेरे को एक आदमी मिसाल बता दो इस देश की राजनीति में, बाबू जगजीवन राम की बेटी, उसने आईएफएस में पास हुई थी, वो अफसर बनी थी। दूसरा आदमी ये आपका बेटा बृजेंद्र सिंह है जो राजनीति में रह के और आईएएस में, और वो भी सारे देश में 9वां नंबर, ये अपनी 21 साल की नौकरी छोड़ के आया। और मैं इसको ये कह रहा था, मैं कह रहे बड़ी सारी रैली कर ले ये इस तंबू के नीचे, तो इसको ये भी मैं सिखाऊंगा कि लोगों के बीच में रहो, लोगों के दुख तकलीफ का साथी बनो, और किसान और कमेरे वर्ग के साथ खड़े होके उनकी बातों के लिए संघर्ष करो, तो आप लोगों की ज्यादा सेवा कर सकते हो, हरियाणा की ज्यादा सेवा कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सेवा कर सकते हो। और बाकी तू थोड़ा ठीक बोले है, घनी बात नहीं कहता, तो कितने किसी के चोट की भरनी हो तो मैंने बता दियो, ऐसे ही भर दूंगा, कूदता फिरेगा नेता कोई भी हो। तो आपका साथ और एक नई व्यवस्था रचने का भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण,
जब बीजेपी का राज बढ़ा था मैं भी मंत्री था, 3.5 करोड़ लोगों के खाते थे बैंकों में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा खोल दो सभी सबके बढ़ाओ। आज 42 करोड़ से ज्यादा खाते हैं। तो ये तब्दीली है, ये व्यवस्था परिवर्तन है, इन बातों की तरफ इशारा करता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और भाई आपको ये भी मैं आपको बता दूं, जब दिशा बिगड़ती है तो लोग भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर कहूंगा कि इस हरियाणा के अंदर नई दिशा जो दी जा रही है हर चीज के अंदर, शुरू शुरू में तकलीफ होती है, सबको होती है, आपको भी हो सकती है, लेकिन आप इस बात को याद रखना कि व्यवस्था परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, उसको बना के रखना है। और ये भी मैं आपसे आज कह के जाता हूं कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थान मजबूत किया है। और इन भाइयों को भी कह के जाता हूं कि ये जो दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी है, इससे जल्दी छुट्टी पा लो, ना तो रोज नुकसान होने लग रहा है, कोई फायदा नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।